गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़ हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता है। और आपके लिए आज से भूगोल की 11वीं क्लास की क्लासेस ऑनलाइन आपके लिए शुरू की जा रही है, तो आप इन क्लासेस को निरंतर और निर्बाध रूप से देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। और इसको देखने के लिए पहले आप जो अध्ययन हम करवा रहे हैं, जैसे आज पिछले सत्र का अध्ययन करवाएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, तो उसको आप पढ़ते रहें। नेक्स्ट जो भी वीडियोस बनेंगे उनको पहले पढ़ते रखें, उसके बाद में उसी आपको सारी याद हो जाएंगे। हम लोग बड़ी सी किसी रूपरेखा देख लेते हैं मोटे मोटे रूप से, क्योंकि अभी सिलेबस में थोड़ी कमी हुई है, कौन से स्वरूप में आएगा, किस तरीके से आएगा, अभी सामंजस्य स्थिति बनी हुई नहीं है। आपके तीन पुस्तक लगेगी, एक लगेगी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, एक भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है ना, और एक प्रायोगात्मक भूगोल। तीन पुस्तक हमारे, उनमें कितना सिलेबस करता है। भौतिक भूगोल का मतलब हो गया हम पर्वत पहाड़ नदी नाले झील तालाब ये कैसे बने, क्यों बने, कहां बने, कितने बने, किस तरीके से बने, क्या क्या थ्योरियां जिसके सामने है ना, जो धरातल पर हमारी प्रकृति के तो बनाए हुए जितने भी क्षेत्र हैं उन सबका अध्ययन किसमें करेंगे, भौतिक भूगोल में करेंगे। प्रकृति के निर्माण और प्रकृति के द्वारा किए गए विनाश के कारण जिन प्राकृतियों का अध्ययन हुआ है, जो हमारे पास वातावरण के अंदर जो तत्व मिलते हैं उन सबका अध्ययन किसमें करेंगे, भौतिक भूगोल में करेंगे। वही उन्हीं प्रकृति के द्वारा बनाए गए सभी कार्य जितने किए गए हैं प्रकृति के द्वारा इस धरातल पर, जो भूदृश्य बनाए गए हैं, जो भूमि पर हमारे दृश्य दिखाई देते हैं, उन सबका दृश्य है वो भी हम भारत में करेंगे, लेकिन वो ये जो करेंगे वो विश्व स्तर पर करेंगे, विश्व लेवल पर। और एक स्तर हमारे लोग भारत में भी हम देखेंगे कि पर्वत भी है, पहाड़ भी है, मैदान भी है, नदी है, नाले है, झील है, तालाब है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ठीक है ना, तो इनमें जो परिवर्तन हो रहा है, इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, किस किस प्रकार की आकृतियां बनी हुई और आकृति के पीछे कौन कौन से सिद्धांत लागू है, किन किन विद्वानों ने अपने अपने कौन से विचार किए हैं, वो प्रक्रिया आज हमारे को कैसे प्रभावित करती है, उन सबका अध्ययन हम किसमें करेंगे, भारतीय भौतिक स्वरूप में, ठीक है ना। तो भारत का जो भूगोल है उसका भी स्वरूप भौतिक स्वरूप आएगा, उसके स्तर पर भी बात करेंगे तो वो भौतिक स्वरूप के अंदर आएगा। तीसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा पर्यावरण भूगोल। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं, मानचित्रों का अध्ययन कैसे किया जाता है, मानचित्र क्यों बनाए जाते हैं, क्या जरूरत पड़ी मानचित्रों को बनाने की, इसके बारे में मानचित्र बनाए कैसे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कोई दूरियां जो होती है वो कैसे नापी जाती है, समय कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सबका अध्ययन जो है, और कौन कौन सी स्थलाकृतियां जो हम स्केच कर सकते हैं घर बैठे हम पर्वत की स्थलाकृतियां, तो मानचित्रों में ऐसे कौन से रूढ़चिन्ह है जिनके माध्यम से देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी स्थिति है, उन सबका अध्ययन जो है, मानचित्र को बड़ा किया जा सकता है, मानचित्र को छोटा किया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र के मानचित्र को बड़ा या छोटा करने की जो विधियां होती है उन सबका अध्ययन किसमें बनाएंगे, प्रायोगात्मक भूगोल में। अक्षांश दिशांत रेखाएं क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, मानचित्र पर जो रेखाएं हैं वो वास्तविक है या काल्पनिक है, किस प्रकार से, उन सबका अध्ययन हम क्या करेंगे, प्रायोगात्मक भूगोल में। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं यहां पर उसको स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल से। भारत के भूगोल से उसको क्या करते हैं, शुरुआत कर रहे हैं भारत के भूगोल से, ठीक है। अब भारत के भूगोल से शुरुआत करें तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 वो किसमें आता है, भारत स्थिति एवं आकार, भारत स्थिति एवं आकार,
कि भारत की स्थिति कैसी है, ठीक है ना। स्थिति में दो तीन चीजें आ रही है इसमें, केंद्रीय स्थिति भी कैसी है, विश्व के किस क्षेत्र में स्थित है उसको हम अवस्थिति कहते हैं, अवस्थिति। और स्थित का मतलब होगा कि कितने से कितने देशांतरों के बीच में यह स्थित है। मानचित्र की अगर हम अध्ययन करें तो मानचित्र का अध्यक्ष करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतरों का अध्ययन करना पड़ता है। अक्षांश को इसमें कहते हैं लेटिट्यूड और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल से करेंगे, हम मानचित्र में करेंगे। मैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में सीधा लिख देता हूँ। मानचित्र में जो बड़ी रेखाएं होती है, जो आड़ी रेखाएं होती है उनको हम अक्षांश कहते हैं, और जो मानचित्र में खड़ी रेखाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और ये जो उनका एक लाल रंग है इसको हम मापकर अगर बना रहे हैं तो वो मानचित्र है ना। और इसको एक नाम हम दिया जाता है प्रक्षेप, ठीक है ना। तो प्रक्षेप को हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे, प्रयोगात्मक होता है वो जो होगी उसके अंदर। अब इसको आप ऐसे में इसमें भी समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, अगर हम ट्यून ट्यून को हटा दें, देखो ट्यून ट्यून को हमने हटा दिया, ठीक है ना, ट्यून को हटा दिया तो क्या लेती, लेती का मतलब लेती, तो जो देखती है वो कौन सी है, अक्षांश होगी, अक्षांश होगी इसमें लेके ट्यून कहते हैं, ठीक है ना। लोगी लोगी का मतलब है घड़ी, लोग तो लोग मतलब लंबा, ठीक है ना, तो लंबा और खड़ा, तो पड़ी रेखा है लेती यानी अक्षांश, देशांतर लोग यानी लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड देशांतर और लेती, तो लेती और लोगी भी आप याद कर सकते हो। मानचित्र में जो पड़ी रेखा है और जो खड़ी रेखा है उनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं नक्शा कहते हैं। अब बात करते हैं भारत की स्थिति और आकार के आधार। मानचित्र की बात करें हम, बहुत ध्यान से इसको समझना है आपको, क्योंकि इसमें से प्रश्न आपके लोग पूछा जाएगा। इस तरीके से इसकी परिभाषा है, लेकिन एक आसान भाषा में हम समझो इसको कि यहां पर
ये 2D है और 3D वर्ल्ड मान लें, यानी ये जो रेखा है, ये जो घुमाव है, इसका हमने पीछे घुमाव है, तो इसको ऐसे ऐसे देख सकते हैं इस तरीके से। ये अक्षांश निशान रहा, तो ये निशान हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है ना, तो हम यहां से देख रहे हैं, इसको यहां से करते हैं, अब हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे देख रहे हैं, इसलिए हमारे को ऐसे दिखाई दे रहा है। ये 2D है, 3D हो इसमें देखा होगा, इसका मतलब ये वृत्त है, और इस वृत्त को ये निशांत जो है कितनी बार काटना है, दो बार काटना है, कितनी बार काटना है, एक इधर से काटना है, एक इधर से काटना है, दो बार इस अक्षांश को निशांत काटना है, दो बार करना है अक्षांश, आमने सामने के निशांतों से कितनी बार करना है, दो बार करना है। ठीक है ना, तो ये टोटल जो अक्षांश है, इसको एक चीज आप ध्यान रखो, ये देखो ये पूरा गोल है, ये पूरा क्या है, गोल है, तो गोल के आधे भाग को, ये जो आधा भाग है, इस आधे भाग को हम क्या कहते हैं, गोल प्लस अर्ध, तो गोल आधे नाम है इसमें गोलाधा, अर्ध क्या नाम है इसको, गोलार्ध, तो ये उत्तर की तरफ है, इसलिए कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण की तरफ है, तो ये क्या हो गया, दक्षिण गोलार्ध, तो गोलार्ध समझ आया, 0 डिग्री, ये उत्तर में है वो उत्तरी गोलार्ध, ये डिग्री दक्षिण में है वो दक्षिणी गोलार्ध, मेरी बात समझ आ गई आपको, ठीक। उसके बाद में देखते हैं कि 0 डिग्री से यहां तक 90 अक्षांश होते हैं, और 90 अक्षांश कहां होते हैं, दक्षिण को, 0 से 90 डिग्री अक्षांश उत्तर गोलार्ध में होते हैं, और 0 से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश दक्षिण अक्षांश होते हैं, 0 डिग्री से दक्षिण में, इसलिए 0 से 90 डिग्री क्या होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध होते हैं। ठीक है ना, तो इन चीजों को थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, 0 डिग्री से हम अगर 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, 0 से 90 डिग्री जाते हैं, तो ये कहलाते हैं उच्च अक्षांश, और ये वाले कहलाते हैं निम्न अक्षांश, और नीचे जो मध्य में जाते हैं इसको कहते हैं मध्य अक्षांश। निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश, यानी 0 से 30 डिग्री तक के जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं 90 निम्न अक्षांश, 30 से 60 तक होते हैं उसको कहते हैं मध्य अक्षांश, और 60 से 90 के होते हैं उनको क्या कहते हैं, उच्च अक्षांश के नाम से जानते हैं। माप का निकला है कि 23.5 डिग्री, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, निकट तो ऐसी है, लेकिन 23.5 एक मिनट में है, ये देखिए 1 डिग्री है, 1 डिग्री में 1 मिनट 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ये सेकंड का निशान, ये मिनट का निशान, ये डिग्री का निशान, तो 1 मिनट 1 डिग्री है ना, ये डिग्री है, अब डिग्री में आधा डिग्री लेना है, आप 30 मिनट लिख लो, और यह आप ऐसा लगा कि आप लिख सकते हो, हालांकि इतना ऐसे सही है, ठीक है ना, लेकिन सहूलियत के अनुसार बहुत सी जगह ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप 23 डिग्री 30 मिनट, तो उसी को फिर आगे जाते हैं तो जाता है 66 डिग्री 30 मिनट, और 66 डिग्री से फिर हो जाता है 90 डिग्री, तो 66 से 67 से 90 डिग्री के बीच में जो अक्षांश उनको बोलते हैं उच्च अक्षांश, 33 से 67 के बीच में जो होता है उनको बोलते हैं मध्य अक्षांश, और 0 डिग्री से 33 के बीच में होता है उसे बोलते हैं निम्न अक्षांश। ये उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध के नाम से, दक्षिण गोलार्ध में है तो दक्षिण गोलार्ध के नाम से। ठीक है, तो 90 कितने डिग्री हो गए, 180 डिग्री, अक्षांश कितने होते हैं, 180 होते हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं जो होती है, अक्षांश तो 180 होते हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अक्षांश रेखा मतलब 0 डिग्री, ये सारी रेखाएं को यहां से लेके यहां नब्बे होगी, यहां से लेके यहां नब्बे होगी, लेकिन ये 0 डिग्री रह गई, ये रेखा इसको काउंट नहीं किया क्योंकि 0 पर है, 1 से काउंट किया, 1 से 90 और 90 से 180 हो गए, अब एक ही रेखा, तो रेखाएं जो होंगी वो होंगी 180 डिग्री प्लस 1 डिग्री यानी 0 डिग्री, तो एक वो होगी, तो टोटल अक्षांश रेखा
भूमध्य रेखा या विष्णु रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी यही साफ हो जाती है, इसलिए विष्णु के नाम से ही इसका नाम पड़ा विष्णु रेखा। सूर्य के प्रभाव को जब विष्णु कहते हैं तो विश्व के व्यवस्था के अनुसार इसका सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। और ये सबसे बड़ा क्या माना जाता है, वृत्त माना जाता है। अब चूंकि ये भूमि के मध्य में इसलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा, ऐसी रेखा जो भूमि के मध्य के हिसाब से जाके भूमि को दो भागों में काल्पनिक रूप से मानचित्र में अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। मेरी बात समझ में आएगा? अब बात करते हैं देशांतरों की। इसके बाद कहते हैं देशांतरों की बात करते हैं, उस समय हमने बताया देशांतर जो खड़ी रेखा है, देशांतर हमने यहां देखा था कि खड़ी रेखा
इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊं वो भी देख लेते हैं। पहले पहले देख लेते हैं भारतीय मध्य से उधर एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, ये कितने डिग्री पर है? 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश नाम क्यों आया? ठीक है, इसके अनुसार एक और लेते हैं यहां हैदराबाद के पास से एक रेखा गुजरती है देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट, जिसको हम बोलते हैं भारतीय मानक। यहां पर उत्तर और रेखा, आप यहां पर क्या कह दो चाहे देशांतर रेखा कह दो, है ना, और यही हमारी समय रेखा है। समय का मतलब पूरे भारत में जो समय निर्धारित किया जाता है वो थोड़ी सी डिटेल करेंगे हम इसकी, तो उसी का नाम से। तो ये देखो ये कितने डिग्री देशांतर है, इसको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर। अब क्यों पूर्वी देशांतर और क्यों उत्तरी देशांतर बोलते हैं और क्यों उत्तरी देशांतर से स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी वो यहां लेते हैं। ये जो रेखा है ये रेखा 0 डिग्री है देशांतर, इस साइड पे आते हैं 180 डिग्री, इधर भी आते हैं 180। 180 और 180 कितने हो गए? 360। पूर्व का जो हिस्सा है 0 से 180 डिग्री तक जाते हैं तो वो पूर्वी गोलार्ध, फिर 0 से 180 डिग्री जाते हैं तो वो पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, पश्चिमी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध हो गए। अब ध्यान से 0 से लेकर 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा है उसको बोलते हैं मकर रेखा। यानी सूर्य की किरण साल और अगस्त यहां पर ही सीधी पड़ती है, इसके बाद में तिरछी पड़नी शुरू हो जाती है, तो साल भर इसी क्षेत्र के अंतर्गत तापमान क्या रहता है? उच्च रहता है, इसलिए इसको उष्ण प्रतिबंध भी कहते हैं। 23.5 से 23.5 के मध्य का जो क्षेत्र है इसको उष्ण प्रतिबंध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कर्क रेखा को कर्क रेखा भारत का मध्य से जाने की छोड़ती है, फिर यहां से 0 डिग्री ये स्टार्ट होगी, 0 डिग्री को कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ये लंदन में गांव है, उस गांव के अंतर्गत जो लंदन की रॉयल प्रयोगशाला है वो इस क्षेत्र में है, और इसी क्षेत्र के किसी सर्वेयर को भारत पूरे विश्व का नक्शा बनाने के लिए दिया गया था, और उसी के आधार पर उसने धरती के सेंटर पॉइंट को देखना चाहा कि कहां सेंटर पॉइंट है, उसने जो नक्शा बनाया वहां से 0 के लिए जो सेंटर पॉइंट दिया गया वो ग्रीनविच और उस रॉयल प्रयोगशाला के अंदर से दिया गया, जहां से वो बेल्ट बना रहा था वहीं से वो 0 डिग्री दिया गया, इसीलिए इसका नाम क्योंकि ग्रीनविच गांव के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति द्वारा रॉयल प्रयोगशाला जो ग्रीनविच में है वहां बनाई गई थी, तो इसलिए इस रेखा का नाम क्या था? ग्रीनविच। इसको मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, इसको मानक समय रेखा भी कहते हैं, पूरे विश्व का जो समय होता है वो भी यहीं से क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। पूरा विश्व का जो समय है वो यहीं से क्या किया जाता है? निर्धारित किया, इसलिए इसको विश्व की मानक समय रेखा के नाम से जाना, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम के नाम से भी इसको जाना है, GMT के नाम से भी जाना जाता है। GMT नाम आता है उसी रेखा के लिए आता है। तो इस रेखा को 0 से लेकर 180 डिग्री पूर्वी और 0 से लेकर 180 डिग्री पश्चिम, तो हमारा जो आया है वो कितने डिग्री है? 180 डिग्री पूर्वी के साथ। तो 0 से अगर हम चले ये कर्क रेखा होगी, 0 से अगर हम चले तो यहां अगर माने तो 0 डिग्री तो 83.5 डिग्री तो हमारे यहां है, और 83.5 ये यहां से गुजर रही, यहां से ऐसे गुजर रही, इसका मतलब भारत का नक्शा बना है। देखो भारत 88% उत्तरी गोलार्ध में है और 93% पूर्वी गोलार्ध में है, इसीलिए भारत के लिए अक्षांश हमेशा कौन से आते हैं? उत्तरी। कौन से आते हैं? उत्तरी। और देशांतर हमेशा कौन से आते हैं?
पूर्वी, क्योंकि वो जीरो डिग्री से पूर्व में है, तो भारत पूर्व में है और अक्षांश में उत्तर में है, इसीलिए इसकी स्थिति जो विश्व में बनती है उत्तर पूर्वी स्थिति बनती है, कि पूरे विश्व है उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक समय तो भारतीय स्थिति है, उसको हम कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना, और 68 डिग्री 7 मिनट यहां से स्टार्ट हो जाएगा, 68 डिग्री यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री और 25 मिनट कौन से देशांतर, पूर्वी देशांतर, और यहां भी कौन से देशांतर, अब आपके समझ में आया कि भारत में उत्तरी अक्षांश से पूर्वी दिशांतर क्यों नाम लेते हैं, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश होंगे वो उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी गोलार्ध में आने वाले सभी देशों के लिए जो अक्षांश ज्ञात होंगे वो उत्तरी अक्षांश होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि आधा हिस्सा दक्षिण में आ रहा है आधा हिस्सा उत्तर में आ रहा है, तो वो उसके लिए अलग से पार्ट हो जाता है, और हम पश्चिम गोलार्ध में नहीं बल्कि पूर्वी गोलार्ध में हैं, इसलिए देशांतर जो हमारे होंगे वो पूर्वी होंगे, इसलिए हम लिखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट हमारी स्टार्टिंग जो होती है हमारे भारत के नक्शे के लिए जो अक्षांश निर्धारित है वो वैसे तो 6 डिग्री 30 मिनट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन मुख्य भूमि से देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है, भारत स्थित है। तो हम क्या कर रहे हैं, भारत की स्थिति समझ आया, ठीक। और भारत की जो स्थिति आ गई विश्व के अंदर वो कैसी आ गई, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो यहां तक का हिस्सा उत्तर का और यहां तक का हिस्सा पूर्व का, ये जो स्थिति बनेगी वो उत्तर पूर्व बनेगी, तो भारत की जो स्थिति है पूरे विश्व में वो उत्तर पूर्व के संदर्भ में देखी जाती है। भारत के आकार की अगर हम बात करें, आकार का मतलब है कितना लंबाई और कितनी चौड़ाई, इसमें किलोमीटर में या माइल में, क्योंकि हमारे यहां किलोमीटर की दूरी है किलोमीटर के हिसाब से उसको करें, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर है वो इसके आकार की व्यवस्था आ जाएगी। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो इसके आकार की स्थिति है वो 3214 किलोमीटर है, इसकी जो लंबाई है उत्तर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो इसका विस्तार है वो 3214 किलोमीटर लंबा है, और गुजरात में ये अरुणाचल प्रदेश तक का जो हिस्सा रहता है इसका असम तक का हिस्सा रहता है वो रहता है कितना 2933 किलोमीटर, यानी इसकी पूर्व पश्चिम जो चौड़ाई है कितनी है 2933 है और जो इसकी लंबाई है वो 32,214 है, यानी 4,214 किलोमीटर है, और टोटल क्षेत्रफल जो इसका है वो लगभग 32,84,000 किलोमीटर के करीब, या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत क्या है ये पूरा भारत का आकार है फैला हुआ है, ठीक है। तो भारत की स्थिति आकार, अब इसकी सीमाएं जलीय सीमा स्थलीय सीमा और इसकी अवस्थित जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।